तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं आपके साथ एडवांस एक्सेल में पिवट टेबल, और पिवट टेबल में हम बात करेंगे आपके साथ सिंपली एक्सटर्नल डेटा सोर्स की। देखिए, एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है आपके एक्सेल में, उसी चीज पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम पिवट बनाते हैं, तो जैसे हमने पिवट बनाया, डेटा 166 तक है, हमने पिवट यहाँ बनाया और पिवट को लगा दिया, और हमने अपनी रिपोर्ट वगैरह भी बना ली यहाँ पे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमने रिपोर्ट भी बना ली। अब ये डेटा एक मान लीजिए कि अगस्त जुलाई का था, अगस्त का डेटा 166, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे डेटा इसमें, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कुंदन का डेटा हमने ऐड कर दी, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये डेटा इसके अंदर डायरेक्टली ऐड नहीं होंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं सर रिफ्रेश कर लें। देखिए, रिफ्रेश कब होता है, जब मैं अपना डेटा, जैसे मान लीजिए कि मैं 630 को 83 कर दिया। अब 83 करने के बाद अब देखिए मैं रिफ्रेश करूंगा तो 83 18 की जगह पे ये बढ़ जाएगा, बढ़ गया 83 38 हो गया। तो जब रिफ्रेश करते हैं तो कब अपडेट होती है, हमारी पुरानी डेटा जो है वो अपडेट होता है, नई डेटा जो आपने डाला है नहीं। इसका रीजन ये है कि जब हम पिवट लगाते हैं तो पिवट लगाते समय डेटा में मैंने यहाँ 166 सेलेक्ट किया था, और पिवट कभी ऑटो सेलेक्ट होके नीचे नहीं आएगा। तो इसके लिए हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था कि हम एनालाइज वाले पार्ट में जाते हैं, यहाँ एनालाइज वाले पार्ट में जाते हैं, और यहाँ हमारे पास चेन सोर्स डेटा होता है, इसकी मदद से हम पिवट को दोबारा रीसेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, ये प्रॉब्लम है कि हम बार बार कब तक रीसेलेक्ट करते रहेंगे, क्योंकि हर बार डेटा मुझे रीसेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। हाँ, इसका सोल्यूशन है, कई सारे सोल्यूशन है। सबसे पहला है कि आप अपने डेटा को कर दीजिए टेबल में कन्वर्ट। ए पिवट टेबल में आपका टेबल होता है, टेबल में कन्वर्ट करके ओके कर दीजिएगा तो ये टेबल बन जाएगा। तो टेबल बनने से क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे, जैसे 167 लिख के एंटर मारूंगा, टेबल अपने आप इंक्रीज हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जब इस पे पिवट लगाते हैं तो पिवट एक रेंज को नहीं बल्कि टेबल को लेता है। देखिए, टेबल वन को लिया हुआ है। लेकिन टेबल में कन्वर्ट करने से कुछ प्रॉब्लम होती है, इसलिए टेबल हम आपको सुझाव नहीं दे रहे। दूसरा सुझाव है कि आप उसको एक्सटर्नल पिवट टेबल के मेथड लेके चले। तो यहाँ हम नीचे देख रहे हैं आपको एक्सटर्नल डेटा सोर्स, हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद चूज कनेक्शंस, ब्राउज फॉर मोर, और यहाँ पे आके हम पिवट अपने इसी फाइल जो हमारा पीक्यू डेटा है इसी को हम सिलेक्ट कर लेंगे दोबारा, ओके, और इसको सिलेक्ट करके ओके एंड राइट। अब इसमें मैंने अपना नेम, अपनी क्वांटिटी डाला, तो और नेम यहाँ डालना है। अब अपने डेटा में अगर कुछ नाम ऐड करता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 167 और इस सारा मैंने दोबारा डाल दिया, कुंदन को रिपीट कर दिया, तो आप यहाँ देखेंगे कुंदन का जो 85 है वो बढ़ जाएगा। जस्ट इसके लिए मुझे करना है रिफ्रेश, लेकिन रिफ्रेश से पहले मुझे करना होगा सेव। जब तक डेटा सेव नहीं होगा तब तक नहीं जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारा बढ़ गया 170, इस पे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि ये तो नॉर्मल पे बढ़ता ना, ठीक है सर। तो आपने देखा कि 170, तो हमने क्या यूज किया, हमने एक्सटर्नल पिवट को यूज किया। पर एक्सटर्नल पिवट पे एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि
आपका जो पिवट लगता है ना, वो पिवट डेटा यहाँ पे क्वेरी कनेक्शन में जाएंगे तो एक पाथ ले लेता है ना, इसकी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके देखेंगे जो पिवट लगा हुआ है वो एक पाथ लगा हुआ है। अब ये फाइल में किसी को भेजूंगा तो पिवट को रिफ्रेश और ज्यादा यूज नहीं कर पाएगा रीजन, क्योंकि उसके सिस्टम में पाथ नहीं होगा। तो क्या करें, तो एक तरीका है जो कि सबसे बेस्ट है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा उसको। हम इसके लिए यूज करेंगे फॉर्मूला। और हाँ, एक्सेल पिवट टेबल में आपका सिर्फ रो इंक्रीज होता है, कॉलम अगर कोई नया ऐड करते हैं तो ऐड नहीं होता, एक प्रॉब्लम ये भी है। ठीक है, तो यहां पे क्या करते हैं, यहां पे एक ऑफसेट नाम का फॉर्मूला होता है। ऑफसेट हमने लिया रो 0 कॉलम 0, और हमने रो की जो हाइट है उसके लिए काउंट ए का फॉर्मूला लगाया और बोला कि पूरा कॉलम ले लो, और फिर विड्थ के लिए भी मैं काउंट ए का फॉर्मूला लगाया और हमने बोला कि पूरा रो ले लो। देखिए ये डेटा दोबारा यहाँ दे दिया, मतलब ये फॉर्मूला क्या करता है। अब इस फॉर्मूले को मैं सम में यूज करूंगा, हालांकि ये फॉर्मूले को मैं थोड़ा आपको आगे सिखाता था लेकिन जरूरत थी इसलिए बता रहा। इसको एवलेट फॉर्मूला करके देखिए, पता चलेगा कि ऑफसेट कैसे वर्क कर रहा है। तो ऑफसेट को मैंने बोला कि भाई स्टार्टिंग ए वन से, इससे सबसे पहले काउंट निकालना कि कितने नंबर ऑफ रो है, इसलिए नंबर ऑफ रो निकाल दिया 1 6 8। फिर इसने वापस काउंट किया और निकाला कि कितने कॉलन है, तो कॉलन 8 आ गया। तो ऑफसेट क्या करेगा, A1 से 168 रो और 8 कॉलन का एड्रेस दे देगा जो कि है A1 से 168 H168, एक रेंज बन पाथ बना देता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फिर इसको हम पिवट में लगा लें, लेकिन प्रॉब्लम है कि पिवट टेबल किसी भी फॉर्मूले को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो एक्सेप्ट करता है एक्सटर्नल सोर्स को, वो एक्सेप्ट करता है किसी टेबल रेंज को, वो एक्सेप्ट करता है किसी टेबल को या कोई डिफाइंड नेम। तो मैंने क्या किया कि फॉर्मूले में डिफाइंड नेम में मैं गया, बस इसको बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ मैंने डाल दिया DT, नाम डाल दिया DT, और यहाँ हमने उस फॉर्मूले को पेस्ट कर दिया। ऑफसेट वाला फॉर्मूला हमने लिया था लेकिन इक्वल नहीं ले पाया तो इक्वल डाल, उस फॉर्मूले के पेस्ट करूंगा, लेकिन फॉर्मूले को फ्रीज जरूर कीजिएगा वरना दिक्कत हो जाएगी, इसलिए फॉर्मूला फ्रीज होना चाहिए। तो फॉर्मूले को फ्रीज कर दिया, फ्रीज करके ओके कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली डायनेमिकली पूरे रेंज का नाम DT हो गया है, और DT अपने आप को बढ़ाता घटाता रहेगा जैसे आपका रो एंड कॉलम बढ़ेगा घटेगा। लेकिन जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो एक ब्लैंक शीट पे फॉर्मूला लगा के यहाँ पे मैं डाल दूंगा DT एंड जस्ट ओके। ये देखिए आपका फॉर्मूला लग गया। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। हालांकि आगे जब फॉर्मूला चलेगी तो इस ऑफसेट फॉर्मूले को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल समझ लीजिए कि इस ऑफसेट फॉर्मूले की मदद से हम अपने टेबल रेंज को डायनेमिक ही कर देंगे, चाहे रो बढ़े या कॉलम बढ़े, मेरा पिवट टेबल ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। लेकिन हाँ, रिफ्रेश करना पड़ेगा, सेव करने की जरूरत नहीं है बट रिफ्रेश करना पड़ेगा। कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें? अब एक्सटर्नल पिवट का एक और यूज करते हैं। क्या होता है, कभी कभी ऑफिस में हमारे पास काफी बड़ा डेटा होता है, बहुत बड़ा डेटा होता है, और उस डेटा को अगर मैं नॉर्मली यूज करूं तो बहुत हैंग होता है, ओपन करने में टाइम लगता है, फिर उसके ऊपर कुछ करता हूँ, जैसे कि पिवट की लगाया तो बहुत धीरे 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 वर्क करेगा, तो काफी ज्यादा उसमें हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो हम यहाँ ये चाहते हैं कि मेरा पिवट कहीं और किसी और फाइल मेरा रहे और मेरा डेटा किसी और फाइल में, मतलब कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे
पिवट लगाना लेकिन किसी और फाइल से, जो कि वो फाइल किसी और ड्राइव किसी और लोकेशन में सेव है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ इंसर्ट में, पिवट टेबल, पिवट टेबल नहीं यहाँ पे यूज करेंगे एक्सटर्नल पिवट टेबल। यहाँ पे चूज कनेक्शंस, ब्राउज फॉर मी में जाके आप उस फाइल को सिलेक्ट कर ले जिस फाइल को आप यूज करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने जी कॉलम में ही पावर क्यूरी पी क्यूरी को सिलेक्ट करके ओके कर। अब इसके एक बार में एक ही सीट से पिवट लगेगा, तो आपको सीट बताना होगा कि आपका डेटा किस सीट में है। डेटा शीट वन पे है, सीट वन को लिया एंड ओके कर। अगेन ओके। अब मैं यहाँ पे अपने पिवट को आसानी से लगा सकता हूँ। मेरा डेटा कनेक्टेड है किसी फाइल से। तो इससे क्या होता है कि आपका फाइल स्मूथली वर्क करता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। ठीक है, अब क्या हम एक्सेल टू एक्सेल से ही लगा सकते हैं? नहीं, हम एक्सेल से एक्सेल को नहीं, हम एक्सेल से एक्सेस को, ओरिकल को, सबको लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे मुझे एक्सेस से लेना है, तो हम इंसर्ट पिवट टेबल, सॉरी यहाँ पे एक्सेल में पिवट टेबल, फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स चूज कनेक्शंस। और जैसे हमने एक्सेल का फाइल लिया है, उसी तरह से मैं यहाँ से अपना एक्सेस का फाइल लूंगा, सेलेक्ट करूंगा, ओपन करूंगा। इसमें जो सी जिस टेबल से या क्यूरी से लगाना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, देन ओके, देन ओके। तो आपने यहाँ देखिए एक्सेस से हमने पिवट टेबल यूज कर लिया। उस तरह से आपका कोई ओरिकल में या किसी एसक्यूएल में पड़ा है तो भी आप कर सकते हैं। कैसे? यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, चूज कनेक्शंस, ब्राउज फॉर मोर। इसमें आपको न्यू सोर्स करना, न्यू सोर्स में एसक्यूएल सर्वर हो जाता है, ये आपका ऑरेकल हो जाता है, ओपीबीसी हो जाता है, डेटा फीड हो जाता है, जिसे करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में होना चाहिए तभी लगा पाएगा। बाकी इसमें और आती है जैसे कि पावर, इसमें पावर क्वेरी विद पिवट आता है और ये बहुत सारे क्यूरी वगैरह आता है, वो हम डेटा में दोबार में जब आपको गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा बताएंगे, इसमें पावर क्वेरी बताएंगे, तो आपको अच्छी तरह से समझा। ठीक है, फिलहाल हमने एक्सटर्नल पिवट टेबल